तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बजाज N160 के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। करीबन 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है इस बाइक को लेकर। और जो कुछ भी बोलूँगा न्यूट्रल रह के बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर N160 मेरे पास है तो सिर्फ इसकी तारीफ ही करूँगा, नहीं, जो कमियाँ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बाइक के प्रॉन्स के बारे में। सबसे पहला जो प्रॉन्स है वो है इसका लुक। मैं आपको लुक दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ, आप लुक देख लीजिए इस बाइक का, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब चारों तरफ से दिखाओ, तो चारों तरफ से अगर आप इस बाइक को देखेंगे तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कहीं से एक अनकंफर्टेबल फील नहीं आएगी। हर तरफ से आप देख सकते हैं, हर प्रोफाइल से आप देख सकते हैं, मतलब एक पूरी कंप्लीटनेस की फील आती है। तो ये है इसका पहला एडवांटेज। जैसे कि जैसे आप साइड पैनल में देख लीजिए, तो साइड में भी जो आपको दिख रही हैं, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि यार यहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो जो कुछ भी है हर तरफ से आप बाइक देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक कंप्लीट का फील आएगा, मतलब कुछ अधूरा नहीं लगेगा इस बाइक में। आप रेयर प्रोफाइल से भी देख रहा हो, रेयर से भी दिखा दो, तो रेयर प्रोफाइल से देख लीजिए, साइड प्रोफाइल से देख लीजिए, और फ्रंट से भी देख लीजिए। फ्रंट में एक आपको डायनेमिक लुक मिल जाता है इसमें, आप देख सकते हैं आपको 2 DRL मिल जाते हैं, तो एक एग्रेसिव लुक भी आपको मिल जाता है इसमें। तो कहीं से भी ये बाइक जो है अनकंफर्टेबल आपको लुक वाइज नहीं लगेगी। तो ये है इसका पहला प्रॉन्स। बात करते हैं दूसरे इसके एडवांटेज की, तो वो है इसका राइडिंग स्टांस, मतलब कि आपको ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता है। जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो आप बाइक जैसे मैं देख सकते हैं कि ये जो बाइक है, अब मेरा जो राइडिंग स्टांस है वो है अपराइट, मैं ज़्यादा लीन नहीं हो रहा हूँ, इससे मेरी जो बैक में है वो भी स्ट्रेन नहीं आएगा। मैं 5'9" का हूँ, मेरे पैर दोनों तरफ ईजिली पहुँच जाते हैं, और जो है कि देख सकते हैं अब मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक सामने से आओ तो थोड़ा सा आपको एक एग्रेसिव लुक भी लग रहा है देखने में, कि आप जैसे बैठे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा और इधर आओ, और आओ और आओ, हाँ, तो अब देख लीजिए, तो अब इस तरीके से मैं चला रहा हूँ तो एक अग्रेसिव लुक आ रहा है इसका, ठीक है, बट साथ ही साथ आपकी जो बैक है उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है। तो ये है इसका प्लस पॉइंट। आपके जो शोल्डर्स हैं उस पर भी कोई ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है। इवन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, मतलब सिटी में अगर बात कर लूँ तो सिटी में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चलाते वक्त। अगर आप हाईवे पे लेके जाते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की राइड है, तो मैंने इससे 400 किलोमीटर के आसपास की राइड करी है, तो 400 किलोमीटर में भी मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और मैं अकेला था, और साथ ही साथ क्या था कि मैंने एक बार में कहीं ब्रेक नहीं लिया था, घर से निकला था और सीधे जहाँ पे मेरे को जाना था वहीं पे जाके रुका था। तो मैंने 400 किलोमीटर लगातार ये बाइक चलाई थी, वहाँ पे भी मेरे को कोई मतलब बैक में स्ट्रेन नहीं, शोल्डर में कुछ नहीं आया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो ये जो दो मैंने एडवांटेज बताई ये बहुत मेजर एडवांटेज हैं। तीसरा है इसका एडवांटेज, वो है इसका इंजन। इंजन मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरफ से आओ, तो इंजन जब आप इसका देखेंगे, इंजन इधर आओ, इधर से आओ दिखाओ, तो जब आप इसका इंजन देखेंगे तो इसका जो इंजन है वो 2 वेल्व है और NS का है 4 वेल्व। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसका इंजन 2 वेल्व है तो आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, रिफाइन नहीं होगा इंजन, स्मूथनेस नहीं होगी इंजन में, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो इसका इंजन है वो भी बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है, आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो ये है इसका थर्ड प्रॉन्स। बाकी इंजन इसका है 164 cc का, कंपनी है 160 क्लेम करती है, और जो है इसका जो इंजन है लेकिन वो है एक्चुअल में है वो 164 cc का है। तो ये है इसका तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज है वो है इसका माइलेज। अब माइलेज में ये मैं अपनी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मैंने 60 का माइलेज इससे कैसे निकाला, तो उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैंने 58 का तो माइलेज आराम से निकाला है इसमें। आप चाहें तो एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो भी बनाई है माइलेज के बारे में, वो आप देख सकते हैं।
मुझे पर्सनली इस बाइक ने इतना अच्छा माइलेज दिया है क्योंकि मैंने इसकी केयर करी, इसका मेंटेनेंस सही रखा है, तो इसने मेरे को माइलेज अच्छा दिया। हो सकता है आपके पास बाइक हो, आपको माइलेज नहीं मिला। मुझे कमेंट भी आए हैं कि मेरे बाइक ने नहीं इतना दिया जबकि सेम मॉडल है। तो डिपेंड वही करता है चलाने के ऊपर। तो मुझे इसका माइलेज भी अच्छा मिला है। बजाज की एक खासियत ये है कि अपनी बाइक में आपको वो माइलेज भरपूर देती है, मतलब वो जानी इसीलिए जाती है। बजाज की पहले की जितनी भी बाइक हैं उसमें माइलेज आपको मिलता था, बट थोड़ा जो लुक है ना वो उसमें कनेक्टिव, मतलब थोड़ा सा अधूरा रहता था। बट ये बाइक ने सब कुछ, जो एक क्लीशे एक स्टीरियोटाइप बना था कि बजाज वालों को सिर्फ माइलेज ही मिलता है बाकी कुछ नहीं मिलता है, तो उसने तोड़ दिया है। इवन अब जो मैं बता रहा हूँ, अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो कस्टमर भी कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे N160 लेनी चाहिए या NS लेनी चाहिए दोनों में, क्योंकि बेटर अगर मेरी ओपिनियन में मानी जाए तो NS भी अच्छी है बट N160 उससे थोड़ी बेटर है, लुक वाइज भी बेटर है और इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। बाकी आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जो मैंने चार एडवांटेज बताए, मेजर एडवांटेज बताए हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। तो दो डिसएडवांटेज मुझे लगे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, दो एक्चुअल में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है इसका सीट। पहला अगर डिसएडवांटेज बताऊँ तो वो है इसकी सीट। इसकी सीट आप देख सकते हैं, इसमें सीट कवर नहीं लगा है, ये अनकंफर्टेबल है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगी है। बाकी हो सकता है आप लोगों को ये कंफर्टेबल लगी, बट सीट आप देखेंगे तो सीट हाइट ठीक है, 790 mm की सीट हाइट है। बट आगे इधर आओ, इधर आओ, तो यहाँ पे आप सीट देखेंगे तो सीट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा रफनेस है, मतलब कि कुशन जो है वो बहुत एक्चुअल में सॉफ्ट नहीं है। जब आप बैठते हैं इसके ऊपर चलाते हैं तो आपकी जो बैक है, सॉरी जो हिप्स हैं, ग्लूट्स हैं, उसमें आपको अनकंफर्टेबल थोड़ा ईज नहीं मिलता है। तो ये है इसका पहला डिसएडवांटेज, जो मेजर डिसएडवांटेज है, इसमें कंपनी को ज़रूर काम करना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज वो है, इसमें आपको स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। आजकल हर कंपनी, अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लूँ तो सब कोई, इवन 125cc TVS राइडर में भी स्मार्टेक्स आने लगा है कनेक्टिविटी के साथ। नई वाली जो स्प्लेंडर आ रही है उसमें भी आ गया है, बट कंपनी वालों को इस मॉडल में नहीं है। बाकी जो अब अपग्रेड 2024 में आया है उसमें आपको स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे मोबाइल से अगर कनेक्ट हो जाती है बाइक, USB डाटा चार्जिंग इसमें दिया है, ऑफकोर्स इसमें दिया है, आप देख सकते हैं मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी नहीं। तो ये दो मेजर मेरे को डिसएडवांटेज इसमें लगे, बाकी तो मुझे कुछ भी इसमें डिसएडवांटेज नहीं लगा है। तो मैंने अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ बताया इस बाइक के बारे में, रिव्यू भी करा है, माइलेज भी टेस्ट कर दिया, और मैंने ये प्रोज एंड कॉन्स के भी बना दिया है वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कॉमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।